दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। शायद मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे तुम्हारा होना था। इतनी शांति क्यों है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? खाने के टाइम बोला नहीं जाता, शांति से खाना खाओ अपना। बहना, शांति नामक कोई भी स्त्री मेरे जीवन में नहीं है, तो भी शांति से कैसे खाऊं? अगर आपके जीवन में कोई और आई तो ये स्त्री आपको कत्ल कर देगी। क्या हरी जी, आपके अलावा हमारी जिंदगी में और कौन आ सकता है? सबसे पहले आप ही ने तो हमारी जिंदगी में एंट्री ली। गुड, आप काफी समझदार हैं। अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे हमें आपके डांटने का अंदाज बहुत पसंद है। एक बार शादी हो जाएगी ना तो पूरी जिंदगी आपकी डांट खाऊंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, आप जल्दी से मेरे भाई से शादी कर लो, फिर अपने घर चले जाएंगे मॉम के पास। मॉम ने कॉल किया था कि आप भागे यहाँ आ गए हो। क्या, मॉम ने कॉल किया था? कब? मॉम ने कहा कि हॉबी को भेज दो, उसके लिए लड़की ढूंढी हमने। मैंने कितनी बार कहा कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वापस। मॉम को कह देना तुम। क्या कर रहे हो तुम यहाँ सब लोग? पागल हो गए हो जंगो, क्या करते हो तुम भी? अब ये नया जोड़ा कहाँ से आ गया? अरे वाह भांजी, मेरे साथ रहकर होशियार हो गए, मौके पे चौके मारते रहते हो। ओए निकम्मे, शर्म नहीं आती? हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। वो क्या है मॉम, मेरी डिक्शनरी में शर्म नामक वर्ड है ही नहीं। जंको, अब तो जबान भी लड़ाने लगा अपनी मॉम से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने पहले शुरू किया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में फिर से पैचअप हो गया? ओए क्या मॉम, मैंने ताई को मना लिया। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं ताय से प्यार करता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बोल सकता है। देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने और जिन ने भी लव मैरिज की थी, तो हम तुम दोनों को रोकेंगे नहीं। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हमारी तरफ से हाँ, ताय के पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। पागल हो क्या, सबके सामने ऐसे कौन करता है? तुम्हें तो मॉर्निंग किस मिल गई, अब मेरी किसका क्या हुआ? बेटा उसे क्यों परेशान कर रहे, मैं तुझे मॉर्निंग किस देती हूँ, आजा मेरे बच्चा। आपकी किस नहीं चाहिए मुझे, बचपन में आप क्या करती थी, पर अब मैं बड़ा हो गया तो अब मेरी बीवी करेगी। हाय कैसा बेशरम लड़का है, देख रहे जूनी तुम्हें पे गया है। तुम ऐसी ऐसी बातें कर कैसे लेते हो गंदा आदमी। पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो गंदा आदमी। बस करो अब तुम दोनों, चलो नाश्ता करो। मॉम का कॉल आ रहा है। हेलो मॉम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और तुम बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? मॉम जब आप कहो मैं तब वापस आ जाऊंगी। क्या बताऊं बेटा, अब तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए। जी मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काफी दिन हो गए हैं, मैं अब कल ही वापस आती हूँ। और ताई बेटा, जिमिन का बेबी कैसा है और जिमिन कैसी है? मॉम वो दोनों बिल्कुल ठीक है, और मैं फोन कट करती हूँ, बाय। क्या हुआ था बेटा, आयु का कॉल था क्या? जी आंटी, डैड को हमारी याद आ रही है तो हम कल वापस जा रहे हैं। मॉम कह रहे हैं कि डैड हमारे लिए बहुत परेशान है, इसलिए कल वापस जा रहे हैं हम। पर ताई इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? दी आप डैड को तो जानते हो ना, वो कैसे हैं। दी मैं फिर से आ जाऊंगी कभी। ताई तुम मेरे लिए नहीं, कम से कम बेबी के लिए तो रुक जाओ प्लीज। तुम क्यों जा रही हो वापस? आई एम सो सॉरी दी, पर मुझे जाना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या हो गया, इस तरह मुंह क्यों फुला रखा है? क्योंकि तुम वापस जा रही हो। क्यों वापस जा रही हो तुम? और ये तुम्हारे डैड हमेशा हमारे बीच में आ जाते हैं, इतने दिनों से तुम्हें मना रहा था, अब जब तुम मानी हो तो तुम वापस जा रही हो, क्यों? मुझे भी जाना तुम्हारे साथ। अब तुम मेरे घर आना ना, डैड से मेरा हाथ मांगने आना। इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। चंको इतनी भी जल्दी मत आना कि मैं वहाँ जाऊँ और तुम अगले दिन मेरे घर पे पहुँच जाओ। फिर ऐसे सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जंकू बेटा ये जाके हनी को दे, आज वो नाश्ता करने नीचे नहीं आई।
मुझे नहीं जाना, जाके आप ही देकर आओ। देखो हर बात में ना नहीं करते और पिटने वाले काम करते सारे। सुबिन बेटा तुम तो अच्छे हो ना, जाओ हनी को ये देकर आ जाओ उसके रूम में। क्या उस चमकादड़ के रूम में? ठीक है आंटी। फिर सुबिन नाश्ता लेकर हनी के रूम में चला जाता है। मधुमक्खियों की रानी आपका नाश्ता तैयार है, आके कर लीजिए। कहाँ चली गई है अब? कहाँ चली गई है हनी की बुढ़िया पापी गुड़िया? दिखाई नहीं दे रही है, कहीं चमकादड़ तो नहीं उठा लेगा? और शायद की डिब्बी। मेरे रूम में आयो? क्या करने आयो मेरे रूम में? हाँ चोरी करने आयो मेरे रूम में? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की और मेरा मेकअप चुराने की? पक्का तुम मेरा मेकअप भी चुराने आयो? आज मैं तुम्हारा बेर बेर के पपड़ी बना दूंगी। छोड़ दो, क्या कर रहे थे मेरे रूम में तुम? हाँ बोलो क्या कर रहे थे मेरे रूम में? छोड़ दे यार, छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगा। क्यों एक नन्ही सी जान पे इतना जुल्म कर रही हो? उठ जा। हाँ मुझे उठाना चाहता है, मैं तेरे को इस दुनिया से उठा दूंगी। हटो मेरे ऊपर से। कटी कहीं की, क्या कर रही थी तुम? देखो मेरे करीब मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे मारा? देखो मुझे पता नहीं था कि तुम हो, मुझे लगा कोई चोर है इसलिए मैंने मारा। अच्छा जी चोर है, मैं तुम्हें चोर की तरह नजर आता हूँ, अब मेरी क्या गलती? तुम्हें और चोर में कोई फर्क नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें चोर मान लिया। छोड़ मुझे गधा, गधा बोला मुझे। हाँ तुमने छोड़ो मुझे, क्या करो बदतमीज तुम, कुत्ते की कमीज। कुत्ता तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, तुम्हारी तो। अभी बताती हूँ मेरी तो। पिशाचनी गधा कहीं का। तुम्हारी तो मेरे ऊपर हंसोगी तुम। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो वरना तुम हनी को जानते नहीं, तुम्हारी नाक फोड़ दूंगी मैं। पिशाचनी हो, नाक काट के सूखने का तो बनाई दिया मुझे, अब तो जान लेकर मानोगी मेरी। लो छोड़ दिया, जाओ यहाँ से। गधा कहीं का, इडियट बेवकूफ पिशाचनी कहीं की। थक गई मैं। मुझे बेबी के लिए अच्छा नाम ही नहीं मिल रहा है, क्या रखूं उसका नाम? आह ये अचानक से दर्द क्यों होने लग जाता है? बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं कब तक ये ऐसे पेन होता रहेगा। ओह गॉड, इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। भाभी, भाभी आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो? जंकुक मेरी मेडिसिन मार रखी है, मुझे दो ना। हाँ भाभी क्यों नहीं, ये लो। तो जंकुक जमीन को मेडिसिन देता है और मेडिसिन लेने के बाद जमीन को थोड़ा आराम आता है। मुझे आराम करना चाहिए। भाभी क्या आप मुझे बताओगे आपको अचानक से क्या हो गया था? नहीं जंकुक कुछ भी नहीं हुआ, वो प्रेगनेंसी में कभी कभार पेन हो जाता है। जंकुक तुम जाके ताई से मिलो, वो कल चली जाएगी ना? हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ताई से जाके मिलना चाहिए, वो तो कल चली जाएगी। आप अपना ध्यान रखना। हाँ तुम जाओ, जाओ तुम ताई से मिलो। अगर मैंने इसे बता दिया होता तो ये सबको बता देता, ये भी ताई से कम नहीं है। फिर जंकुक वहाँ से ताई के पास जाता है। ताई आई लव यू। तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? क्यों? ताई मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, मुझे किसिया कौन देगा? मॉम देंगी। ताई तुम क्यों जा रही हो? यहीं मेरे साथ रहो ना, तुम मुझसे शादी कर लो फिर मैं यहीं रहूंगी। शादी तो करूंगा मैं तुमसे, पर तुम ऐसे ही रह लो ना मेरे साथ कुछ दिन। ऐसे नहीं, जब तुम मेरे घर आओगे, मेरे डैड से मेरा हाथ मांगोगे, हमारी शादी की बात करोगे, तब हम साथ रहेंगे। हाय शादी, शादी के बाद तो हमारी फर्स्ट नाइट भी होगी। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलता है, थोड़ा कम चलाया करो गंदा आदमी। क्या है ना ताई, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ मैं, वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर पता ही चल जाता है। खैर तुम अब जाओ, मुझे सामान भी पैक करना है अपना, एक अच्छे से किसी दे दो मैं चला जाऊंगा। तुम भी ना, अब तुम जाओ मेरे रूम से क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है, मुझे परेशान मत करो। मैं कहाँ तुम्हें परेशान करूँ, और ये कैसी किस्से थी? मुझे परेशान करना बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओके दी, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना, मेरा भी मन था तुम्हारे साथ घर जाने का। हाँ तो चलो ना आप भी हमारे साथ फिर। मैं क्या करूँ, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, और ना ही मेरा आपको भेजने का मन कर रहा है, हमें आपके साथ रहना पसंद है। शादी हो जाएगी तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही एक दूसरे से, तो शादी कर लो जल्दी से। बिना शादी ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं, अभी मुझे हारी जी के भाई से उनका हाथ मांगना पड़ेगा, तभी तो शादी होगी हमारी। भैया से? कहीं भैया ने मना कर दिया तो? डोंट वरी बेब्स, मैं बात कर लूंगी डैड से। ओह गॉड आई एम सो सैड ताई, अब मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना इतना ही अच्छा लगता है तो मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे।
जंगकुक, मैंने तुम्हें इतना समझाया, तुमने अभी भी मुँह लटका रखा है। अब कुछ दिनों तक इसका मुँह ऐसे लटका रहेगा, देखना तुम। तुम्हें सैड रहना ज्यादा पसंद है, अब दोबारा ऐसा मुँह बनाया ना तो मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। तुम घर पे इंतजार करना मेरा, मैं शादी की बात करने आऊंगा। बेटा तुम अकेले जाओगे बात करने, हमारी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं, आपकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप ही तो मनाओगे अंकल को। ओके आंटी, अब हम चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। ओके बेटा जाओ, जब पहुँचना तो कॉल करना। फिर ताय और हारी वहाँ से चले जाते हैं। सना बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे खुश हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी काम सीख लिया। अंकल जो मैं करना चाहती हूँ वो काम मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ रूम में, तुम दोनों भी जाके आराम कर लो। शुगा, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? नहीं सना, मैं खा चुका हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। शुगा मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी जिमिन को बताने की कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज शुगा मुझसे सैड मत रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जिमिन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तुम्हें मुझसे जितना सैड होना हो जाओ, पर एक दिन देखना मैं ही काम आऊंगी तुम्हारे। आप आ गए, आज तो आप जल्दी आ गए। ऑफिस में काम थोड़ा कम था। और कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सैड लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जिमिन, सैड नहीं हूँ मैं। आप सैड लग रहे हो, क्या आज की मीटिंग अच्छी नहीं गई? नहीं जिमिन, मीटिंग अच्छी गई है बहुत। चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। नहीं जिमिन, मैं खाना खा के आया हूँ, भूख नहीं लग रही है मुझे। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा जिमिन, तुम डैड से पूछ लो। ओके कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, चलो सोते हैं साथ में, मुझे भी नींद आ रही है। बेबी की वजह से मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता, ये सोचता हूँ कहीं तुम्हें हार्म ना हो जाए। आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम, बना हूँ मैं कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा कि डर है। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम बहुत क्यूट हो जिमिन। करता हूँ सौ वादे तुम। फिर वो दोनों भी जाके सो जाते हैं। मॉम डैड जल्दी चलो, ताकि के घर मुझसे वेट नहीं हो रहा है। प्लीज जल्दी चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। जंकू कंट्रोल कर ले, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा मैं भी जा रही हूँ, मैं उससे थोड़ा लड़ लूंगी, मुझे मजा आएगा। मैं सोच रही हूँ क्या हम जिमिन को लेकर चले या फिर उसे घर पे ही रहने दे। जिनू जिमिन को लेकर चलते हैं, मॉम डैड से मिलेगी अपने। मैं जिमिन और बेबी के लिए डर रही हूँ, प्रेगनेंसी में ट्रैवल कम करना चाहिए ना। मॉम कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना जिमिन के साथ, उसका ध्यान रखेंगे। अरे बहना तुम तो बड़ी लुल्लो, अब जिमिन अपने घर जाएगी, अपने मॉम डैड से मिलेगी तो अच्छा लगेगा उसे। आप भी लुल्ली हो, वैसे हम दोनों भाई बहन है, आपको पता ही है। मॉम कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी, चलो। अच्छा है, चलो तुम भी अपने मॉम डैड से मिल लेना, फिर वो सब वहाँ से ताई के घर जाते हैं। अरे वाह मेहमान आए हैं, देखो तो। फिर आइए जाके डोर ओपन करती है। अरे वाह मैं तो बड़ी खुश हो गई, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग अचानक से, मुझे तो बड़ी सरप्राइज हुआ, आप सब अंदर आओ। हाँ वो क्या है ना, आपसे मिले हुए बड़े दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम आपसे मिलने आ जाते हैं। बहुत अच्छे थे जिमिन बेटा, तुम कैसी हो? कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मॉम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ। फिर आयु सबको अंदर बुलाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोग हमसे मिलने आए, और जिमिन मैं तो जिमिन के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हारी जी आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद देखा। जो मैंने भी आपको बहुत दिनों बाद देखा, हमें तो लगा कि आप हमें भूल ही चुकी हैं बिल्कुल। अरे वाह आप सब यहाँ अचानक से, क्या आपके साथ जिमिन भी आई है? डैड जिमिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद जिमिन हमसे मिलने आई है। हम जिमिन को यहाँ भेज देते पर जिमिन फिर घूमने चली गई, उसके बाद फिर जिमिन प्रेग्नेंट हो गई। कांग्रेचुलेशंस बेटा, क्या तुम अपना ध्यान रखते हो? तुम ठीक तो हो ना, खाते पीते तो हो ना? डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया बेटा, इतना मिस कर रही थी तो मुझे बता दिया होता, मैं लेने आ जाता तुम्हें। वैसे ताए नहीं दिख रही है, ताए कहाँ है? तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, सब्र कर लो थोड़ा, अभी तुम्हारी शादी की बात ही करने वाले हम लोग। बेटा तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने आज पहली बार देखा। अरे आंटी आप भी ना, मुझे कौन नहीं जानता, मैं हनी हूँ, हनी इज द बेस्ट यू नो। कोई आया है क्या? हाय ताए, मेरी बेबी डॉल आ गई। जंकुक अब पूरी फैमिली साथ में? हाँ ये मैंने क्या पहन रखा। फिर ताए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। क्या वो मुझसे गुस्सा है, वो
मुझे देखकर भाग क्यों गई? अबे बेवकूफ, वो तुझे देखकर नहीं भागी है, वो अपने कपड़ों को देखकर भागी है। हाँ तो वो ऐसे ही अच्छी लग रही थी। आप सब बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप आके हमारे साथ बैठो ना। अरे क्या कोई बात है, आप सब ऐसे अचानक से हमारे घर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ बात करनी है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है।